ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर उमा शंकर पांडे, जया जैन, डॉक्टर लतिका प्रकाश, आदित्य विजय जैन, सीपी जैन, डॉक्टर हर्षित विजय जैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य सीपी जैन ने बताया कि यूं तो फैंसी ड्रेस के आयोजन बराबर किए जाते हैं, परंतु हमारा आयोजन नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं के खास विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए होता है। इस बार प्री नर्सरी के बच्चे ने दूध वाला, सब्जी वाला, फूल वाली जैसे विषय नर्सरी के छात्रों ने अंतरिक्ष यात्री, पायलट, सेनाध्यक्ष तथा केजी के छात्रों ने विभिन्न ग्रहों के रूप में मंगल ग्रह, वृश्चिक ग्रह, सूर्य आदि के रूप में प्रस्तुत किया। बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उद्घाटन भाषण करते हुए डॉक्टर पांडे ने कहा कि भारतवर्ष में पुरातन काल से ही क्रियात्मक शिक्षा देने की परंपरा रही है, जिसे बच्चों को वस्तु स्थिति का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। प्रसन्नता की बात यह है कि ज्ञान ज्योति इस परंपरा का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है। काल विज्ञान प्रदर्शनी में लगभग 900 छात्रों ने 300 से अधिक स्टॉल के माध्यम से अपने जीवंत मॉडल का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से इसरो की यात्रा, ग्रेटर आरा का मॉडल, कृषि के उन्नत औजार, कूड़े से ऊर्जा का उत्पादन आदि प्रोजेक्ट प्रदर्शनी तथा प्रशंसनीय पाए गए। छात्रों का उत्साह देखने लायक था। छोटे छोटे बच्चों भी अपने मॉडल्स तथा प्रोजेक्ट के बारे में अत्यंत उत्साहित होकर बताते हुए दिखे। प्रदर्शनी में संस्कृत भाषा की उपलब्धियों तथा विशेषताओं को तकनीकी रूप से अब बैलेंस है इसमें। Today I will tell you how to make a board with fresh materials that flooding. It is very easy and expensive using material around the home. Now tell I use. What is the uses of material in this board? Good morning sir, I am Ayush Kumar. I tell you going to what use in this board. The material in this board is together can, motor, battery, switch, wire. We connected this material together and can make a fine floating board. Thank you sir. Hello sir, I am Ajay Kumar and my project name is Smart City. I can tell something about a Smart City. The Smart City technology allows city official to interact directly with the community. Fresh water, sir, जैसा कि हमने देखा है ऊपर की इसमें कि हमारे आराही को अभी नहीं लिख दिया, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आरा में बहुत चीज़ें अभी नहीं है, जैसे कि वाटर पार्क और एयरपोर्ट, म्यूजियम, ये अभी आरा में नहीं है और हमारा आरा का भी सड़क बहुत ही अभी खराब है। इसीलिए हम लोगों को ये निर्देश देना चाहते हैं कि हमारा आरा को क्लीन बनाए और जो जो अभी हमें हमारे आरा में नहीं है वो फ्यूचर में आने की कोई संभावना दी जाए। जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं जैसे मोदी जी, ये सब जितने भी हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमारे आरा को एक स्वच्छ सिटी बनाया जाए, जैसे कि अभी बहुत चीज आरा में नहीं है। Electricity from greenhouse gases. In this project we want to solve four sections. First section is factory section, second is geothermal section, third section is power plant section. In this section factories release exhaust gases from
chimneys, and this gas is poured inside earth approx 200 centimeter, and then this will release in this pipe, and this gas will be superheat gas, and then the gas is goes inside the terminal and dynamo moving, and then the electricity produced. This gas is will the gas, water tank, and this gas will release in this section, and the terminal rotates and electricity. Our topic is pie chart and bar graph. This is a pie chart and this is a bar graph. This shows the student of 7 MB like with subtract. Now my friend Sivans will tell you about bar graph. Bar graph is a graphical chart which represents rectangular bars in height or length. This is the bar of science. The students of class 7 here like the science most. The number of students is 15, and 7 students like English, 7 students like SST, and 8 students like Maths, and 3 students like English. Circular statistical graphic which is divided into slices are. Now, this is a science. 15 students like science, so we had divided 135 degree. This is 8 students like Maths, so we had divided 72 degree. In both SST and English, there are 7 students who like the both subjects, so we have divided it to 63 degrees. Standing here to represent the angles of property of triangle. First of all, what is triangle? Triangle is a closed figure formed by three lines. It has three sides, three vertex, and three angles. According to a triangle, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. How we show you? We cut angle A, angle B, and angle C. We obtain this and this type of figure. This figure represents a straight line, means 180 degrees. It is proved that a triangle has 180 degrees. Thank you, sir. Join them and assemble the robot, and these are parts, sensors, sound sensors, and this is touch sensor, rope, motors, and this is me. And from next year our school is going to add that robot for robotics purpose. This mill is generally seen around the agriculture fields. It is used to transport the water from a well to the agriculture fields for the process of irrigation. We have made this by using robotics. When we on this brake, this motor on, and this gear combination helps the wheel to move. And this wheel transports the water in this container, and through this container the water goes in the field by the pipe. So this is very easy and simple method for irrigation. Thanks. This is my project, second project of robotics, a conveyor belt. Sir, as usually we have always seen in the factories make two products. By default, there is an unusual product. Sir, for the unusual products, a human was there to make it out. They put the unusual product out. Sir, through the help of robotics, we make it automatic. This is an unusual product. If the sensor detects it, then it make it out. I am Anamika. I am standing here to tell you the use of 3D paints. They are just a polycarbonate version of normal paint, but it's in consist of plastic. There is plastic cement inside the paint. This is melted before using. This paint can be used for make various 3D designs. It basically helps the artist to make various art pieces. Thank you, sir. चेयर का मॉडल दिखा दो मशीन का ब्रेक सेट लगा दिया Like this is a bracelet. We can make this from 3D printing. We ready our design in our printer and give command to printer and our model is ready. In this printer we print one color of model, and in that printer we print double color of model, combination model. वहाँ पर जो
से बनाया गया है। मान लीजिए आगे चल के तो मॉडल मूर्ति तो रहेंगे नहीं, सब खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग उसका मॉडल रेडी रखेंगे कि बच्चों आगे जो आएंगे उनको बताने के लिए कि कैसे मूर्तियाँ थी, कैसे ओल्ड हिस्ट्री में मॉडल थी। ऐसे यहाँ पर मेरा भी मॉडल प्रिंट हुआ, ये मॉडल मैं बनाया है, ये मेरा मॉडल है, इसे हमने स्कैनर से रेडी करके प्रिंट किया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे मॉडल रेडी किए हैं, ये जियो का फ़ोन है, जियो का फ़ोन मैंने रेडी किया है। इसमें हम लोग ऐसा चीज ऐसा फूड बनाते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, और ये 3D के द्वारा बना हुआ है। और हम लोग शूज इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज है, अडिडास कंपनी शूज बनाता है इससे 3D से, जो हम लोग पहन सकते हैं। और सब एकेडमिक्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, जैसे कि जियोग्राफी में हम लोग माउंटेन्स मैप ये सब बना सकते हैं। हिस्ट्री में कोई भी चीज़ जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि भगवानों की मूर्ति और पुरानी शहर है, ये सब हम बना सकते हैं। और करता है कैडर बोर्ड का एग्जाम्पल है, किताब मैंने कैडर बोर्ड अच्छे से दिया है, बच्चे समझ में कितना इलास्टिक है, कितना दूरी तय कर सकता है। हम लोग ये मॉडल रेडी किया है बताने के लिए कितना दूरी तय करेगा, कितना इसकी स्पीड है, कितना इसकी लेंथ है। यहाँ पर हम रोबोटिक हैंड किए हैं बनाए, मान लीजिए किसी का हैंड खराब हो गया है, इसका हैंड वर्क नहीं कर रहा, हम लोग ये 3D का हैंड बनाकर उसमें ट्रांसप्लांट करके वो हैंड वर्क भी करेगा, ऐसा हो चुका है। और चाइना में एक दिन में 3D प्रिंटिंग से 10 घर तैयार हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ द मॉडल ऑफ GSLV MK3 लॉन्च ऑन 5 June 2017 बाई इसरो। नाउ अनुष्का विल टेल समथिंग मोर अबाउट GSLV MK3। लॉन्च व्हीकल इज द मोस्ट एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम ऑपरेटेड बाई इसरो। GSLV हैज बीन यूज्ड इन 10 लॉन्चेस, टू द फर्स्ट इन 2001 एंड द सेकेंड लॉन्च इन रिसेंट इन 2017 ऑन 5 May। इट इज़ एन entirely different launcher and its manufacturer is ISRO. सभी प्रजनों को अभिभावकों को यह बताना चाहता हूँ कि आपका जो विद्यालय है पिछले 12 वर्षों से आरा जिला में ISRO world record of 104 satellite. It's the biggest satellite of world launched by India. Its name is CAROSAT-2. Here, CAROSAT name derived from CATOSAT derived from CATO, catalogy, and satellite SAT. So the work of the satellite, this is a type of Earth observation satellite. It's used to tell information about weather, climate condition of those planet and etc. And the parts of this satellite are, this is your. It's used to pass there, and this is planet, it's a signal detector, and it's a star sensor, it's a sense star. Welcome to here you can see our project Chandrayaan first satellite. This is the first satellite that found that there is water on moon. We gave you more and more information about this project. First information about this project will give my classmate Nishant. Good morning sir, I am here for explain Chandrayaan first is a first mission to the moon, then designed and developed by ISRO, India Space Research Organization, Bangalore, India. This science mission is represented a new dimension. Hello sir, this is the model of the ISAT satellite, the international for Indian National Satellite System. It is the largest domestic satellite system. A mobile connection established through this satellite. Now that we can explain about this satellite. ISAT is an Indian National Satellite System which formed part of the Indian National Satellite System. It was launched on 30 August 1983 from Kerala, and it was manufactured by Ford Aerospace. And this, and the weight of this amazing satellite is about 1,100. There are so many uses of ISAT satellite. They are, this is used in hospital for operation of heart, rescue operations, meteorology, broadcasting, telecommunication, and etc.
कर रहा हूँ, आप भी मुझे भी Hello, I am Ayushi and these all are my group members. She is Anshika, she is Pranita and she is Jinmali. Today our topic is the vision of Greater Ara in 2027. Ara is a municipal city and corporation in Bihar, Bhojpur. So it is the headquarters of Bhojpur district. It is divided into 45 wards. Ara is located near the confluence of River Ganga and River Sarayu. Now Anshika will continue. It is considered as a historical and mythological background. It is also considered as a holy place of all religions. There are two national highways. There are three police stations and post offices. Three post offices in Ara. There is one district hospital and one university, that is Veer Kuwar Singh University. Now the needs of Ara will be explained by Parineeta. There are various needs of Ara, like there is no educational institution here. Universities, colleges are also necessary. We need hospitals also, we need hospital for life-threatening disease like jaundice, cancer. Development in rail route, that we generally have to go Patna for going to some big station like Mumbai. Development in bus stand, development in rail road also necessary. Their station road is so poor condition, so we need to develop their condition. Branded outlets like McDonald's, Starbucks are not present here. So we need to develop those things also. Further will be explained by Jinmali. Hello, I am here, Shanti, here to explain you what are the reasons, our reasons that we want to propose in this. At first, we want to develop the road of Mathia and the Mangal Pandey Road. We want to conserve the ponds, reconstruction of drain water sewage and in the V-shaped drains, use solar street lights. About the government schemes we show in this project, as we know that governments have many schemes for us, but we are not following. So we make this project to encourage them to follow these rules. They help us in many ways. There are some of the government schemes: Jathan Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana, Digital India, PMGSY, Suraksha Bima Yojana, and Kaushal Vikas Yojana. Thank you. Government has been started so many schemes for us, but we Indians, we are not going to follow them. So there are some schemes which Modi government have been started. Some of them are Swachh Bharat, Atal Pension Yojana, Jeevan Jyoti Yojana, Ujwala Yojana, Ramin Avastha Yojana, Rozgar Yojana. And we are going to tell you that please follow the government rules. They are very helpful for us. We should always follow the government rules. Thank you. Government introduces many schemes time to time. At present, Modi government has launched various public-friendly schemes, and this public-friendly schemes help Indian citizens in many ways. Thank you. काफ़ी आकर्षक तरीके से प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, क्या इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते हैं, हमेशा होते हैं या क्या है, कुछ बताइए। वैसे तो प्रोजेक्ट वर्क हमारे यहाँ अक्सर हुआ करते हैं, क्योंकि सिलेबस में जितना भी प्रैक्टिकल दिया जाता है वो सारे प्रैक्टिकल के रूप में बच्चे हमारे विद्यालय में करते हैं। अपने यहाँ कंप्यूटर लैब भी है, साइंस लैब भी है, आर्ट्स गैलरी भी है, जिसमें बच्चे रोज ही प्रैक्टिकल से वाकिफ हैं, रोज प्रैक्टिकल किया करते हैं। लेकिन यह साइंस एग्जीबिशन का रूप देना ये दर्शाता है कि बच्चे एक साल में क्या सीखे और वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन पब्लिक में करें, ताकि लोगों के क्वेश्चंस उनके प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड आए और वो उन आंसर्स को जब देते हैं तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है उस कॉन्फिडेंस को ही हम एक्चुअल शिक्षा कहते हैं। तो जिस प्रकार से एनुअल एग्जाम्स होते हैं मार्च में,
उसी तरीके से इंटरनेशनल साइंस डे के अवसर पर हम लोग यह साइंस प्रदर्शनी प्रत्येक वर्ष करते हैं और बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम इसी वक्त हो जाता है। क्या इसके लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग व्यवस्था की गई है या यहीं पे स्कूल में ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है? अलग से कोई खास व्यवस्था करने की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरे वर्ष बच्चों को प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन ही देते हैं। और जब साइंस एग्जीबिशन को हम लोग अनाउंस करते हैं कि कौन कौन से बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये बहुत ही ज्ञान ज्योति विद्यालय के लिए गर्व की बात होती है कि 100% बच्चे तैयार मिलते हैं कि मुझे भी इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। और ये जितने प्रोजेक्ट्स आप आज देख रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों के स्वनिर्मित हैं, विद्यालय में ही बनाए गए हैं। कोई बच्चा मार्केट से बना हुआ प्रोजेक्ट लेकर विद्यालय में नहीं आया है, न ही हम घर से बना हुआ प्रोजेक्ट विद्यालय में अलाउ करते हैं।